स्वतंत्रता की कोटियाँ। आज हम देखते हैं स्वतंत्रता की कोटियाँ, मतलब जो गतिज निकाय होते हैं। गतिज निकाय मतलब जब हम गैसों को ताप देते हैं, ताप देने पर वो गतिशील अवस्था में आते हैं, और गतिशील अवस्था में आने के कारण उनके जो कण हैं वो क्या होंगे, गतिशील होने के कारण उनकी स्वतंत्रता की अलग अलग कोटि होती है। तो गतिज निकाय के अभिविन्यास एवं स्थिति का विवरण। हम एक गतिज निकाय के अभिविन्यास एवं स्थिति के विवरण के लिए जिन राशियों की सहायता लेते हैं या जिन कोटियों की आवश्यकता हमको पड़ती है, उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता की कोटि। जिन राशियों की आवश्यकता होती है वो स्वतंत्रता की कोटि कहलाता है। तो यहाँ पर गतिज निकाय मतलब, क्योंकि गैस है और गैस जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु से मिलकर बने होने के कारण उनका जो प्रत्येक अणु मतलब प्रत्येक जो कण है वो हमेशा गतिशील अवस्था में होता है। गतिशील अवस्था में होने के कारण वो कभी सरल रेखीय गति करता है तो कभी द्रव्य में गति करता है। तो उस गति के निकायों के वर्णन के लिए हमको अलग अलग कोटियों की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता की कोटियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक परमाणुक निकाय के लिए। एक परमाणुक गैस या एक परमाणुक निकाय के लिए। अब यहाँ पर एक परमाणु कहने का मतलब एक ऐसा निकाय जो केवल एक ही कण से मिलकर बना हुआ है। एक परमाणु गैस कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा निकाय जो केवल एक ही परमाणु या एक ही कण से मिलकर बना होता है। जब कोई परमाणु एक ही कण से मिलकर बना होता है तो उस समय इनके विचरण की तीन परिस्थितियां निर्मित होती हैं। पहला एक ये है कि अगर वो सिर्फ एक ही कण है तो वो हो सकता है कि वो सरल रेखीय गति करे, क्योंकि जो निकाय हम ले रहे हैं या जो निकाय को हम मानकर चल रहे हैं, हम ये मानते हैं कि वो जो निकाय है वो मात्र एक कण से मिलकर बना हुआ है। तो जब वो एक कण से मिलकर बना हुआ है तो पहला कंडीशन उसके साथ ये है कि वो सरल रेखीय गति करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। मतलब वो जो कण है वो हमेशा ये चाहेगा कि वो सरल रेखीय गति करे। सरल रेखीय गति कहने का मतलब होता है एक्स निर्देशांक में गति या एक्स अक्ष के परितः गति। यदि वो कण सरल रेखीय गति करता है मतलब उसके सिर्फ एक निर्देशांक होंगे, मतलब उसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, एक होगी। सेकंड कंडीशन हुआ द्विविमीय गति, जिसको हम कहते हैं समतल में गति। अब यदि, क्योंकि वो कण एक है मतलब वो हो सकता है कि वो समतल में गति करे। समतल कहने का मतलब होता है कि दो अक्ष, एक अक्ष होगा x और दूसरा अक्ष होगा y, x अक्ष और y अक्ष, इन दोनों अक्षों के परितः मतलब इन दोनों अक्षों के बीचों बीच यदि कोई कण गति करता है तो इसको हम द्विविमीय या फिर समतल की गति भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी स्वतंत्रता की दो कोटि होगी, एक तो x अक्ष और दूसरा होगा y अक्ष। ये दो, तो पहला जो एक परमाणु जो गैस होता है, मतलब एक ऐसा गैस जो कि एक कण से मिलकर बना होता है, पहला तो या तो वो सरल रेखीय गति करेगा या फिर वो द्विविमीय गति करता है। तीसरा होगा इसमें
तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो आकाश में गति करे। क्योंकि वो एक अकेला कण है, इसलिए हो सकता है कि वो द्विविमी और एकविमी गति ना करके वो कहाँ गति करे, आकाश में गति करे। आकाश में यदि वो गति करता है, कहने का मतलब वो इन तीन अक्षों के परिधि गति करेगा। इसके अक्ष हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इन अगर ये तीनों अक्षों के परिधि वो गति कर रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर वो स्वच्छंद स्वतंत्र होकर गति करेगा। तो यहाँ पर इसकी स्वतंत्रता की कोटि होगी एक, दो और ये तीन। तो एक अगर वो परमाणु एक है तो उसकी स्वतंत्रता की कोटि अधिकतम तीन हो सकती है। तो एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की कोटि होगी तीन। फिर सेकंड होता है द्विपरमाणविक गैस। दूसरा है द्विपरमाणविक गैस। द्विपरमाणविक गैस कहने का मतलब अब हम एक ऐसा निकाय लेते हैं जो केवल दो कणों से मिलकर बना हुआ है। दो कणों से, मान लो ये एक पदार्थ है या एक गैसीय निकाय है, यहाँ सिर्फ ये दो कण हैं, इन दो कणों से मिलकर ये निकाय बना हुआ है। तो इन कण, ये जो निकाय है इसके अंदर ये दोनों कण गति करेंगे। तो इसके कारण एक तो कंडीशन ये होगा इसके पास कि ये दोनों कण स्वतंत्र होकर गति करें। ये कण अपने में स्वतंत्र गति करेगा और दूसरा कण अपने में स्वतंत्र गति करेगा। तो जब एक परमाणु गैस की तीन कोटि है स्वतंत्रता की, तो दो परमाणु यदि यहाँ पर हैं तो इनकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, छह होगी। दोनों परमाणु स्वतंत्र गति करेंगे। स्वतंत्रता की कोटि कोटि छह हुई। यहाँ पर क्योंकि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और जब वो स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्र होने के कारण ये कण जो है वो सरल रेखीय द्विविमी या फिर आकाश में, मतलब तीन अक्षों में गति करेगा। तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि तीन होगी और दूसरे कण की भी स्वतंत्रता की कोटि तीन होगी। तो तीन और तीन टोटल स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, छह होगी। दूसरा ये हो सकता है इसमें कि यदि इन दोनों कणों के बीच कोई संबंध हो या ये दोनों कण क्या हों, एक दूसरे से नियत दूरी पर हों, दोनों कण नियत दूरी पर हो या इनके मध्य संबंध हो। अब देखते हैं कि यदि ये दो कण जो हैं वो हमेशा गति के दौरान भी यदि वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं, नियत दूरी पर रहते हैं, और इन दोनों के मध्य यदि कोई रिलेशन होगा तो उस समय इनकी स्वतंत्रता की कोटि छह ना होकर इनकी स्वतंत्रता की कोटि क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, मतलब इनकी स्वतंत्रता की कोटि पाँच होगी। स्वतंत्रता की कोटि होगी इनकी पाँच। ये जो स्वतंत्रता की कोटि है इसको हम डिफाइन करते हैं F इज इक्वल टू थ्री के माइनस सॉरी थ्री एन माइनस के से। F इज इक्वल टू थ्री एन माइनस के, कहने का मतलब F जो इनकी स्वतंत्रता की कोटि है, थ्री एन, थ्री डायमेंशनल यदि है तो थ्री एन अणुओं की संख्या और K उसके विचरण की संख्या होती है। तीसरा होता है त्रिपरमाणु गैस। यदि ये गैस तीन परमाणु या इनके
कणों की संख्या कितनी हो? 3 हो। यदि ये हो त्रि परमाणु गैस, तो इसके स्वतंत्रता की कोटि या इसके विचरण की जो कंडीशन है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है सरल रेखीय और दूसरा होता है अरेखीय। अगर वो गैस कैसा है, त्रिपरमाणविक गैस है, तो उसके या तो वो सरल रेखा में गति करेगा और या वो अरेखीय गति करेगा। अब सरल रेखीय गति कहने का मतलब कि यहाँ पर 3 कण हैं और तीनों के तीनों किस एक ही रेखा में गति करते हैं, इसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। यहाँ पर इसके केंद्र के दोनों ओर, मतलब केंद्र पर एक परमाणु होगा और उसके दोनों ओर एक एक और परमाणु होंगे, इसलिए इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 होती है। अब यदि वो अरेखीय गति करते हैं, अरेखीय गति करने का मतलब तीनों अपने अपने नियत वेग से गति करते हैं तीनों कण, तो इस समय ये कण अपने स्वतंत्र होकर गति करेगा, ये दूसरा कण भी अपने से स्वतंत्र गति करेगा और तीसरा कण भी स्वतंत्रतापूर्वक गति करता है। इसलिए प्रत्येक की यहाँ पर 3-3 कोटियाँ होंगी और इस प्रकार ये अरेखीय गति को दर्शाता है और यहाँ पर यह दर्शाता है सरल रेखीय गति को। तो यहाँ पर जो हमने 3 कंडीशन पढ़ा, एक पढ़ा एक परमाणु गैस के लिए, दूसरा पढ़ा द्विपरमाणविक गैस, और तीसरा पढ़ा त्रिपरमाणविक गैस। तो एक परमाणविक गैस, ये जो गैसें होती हैं, इनको हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। एक परमाणविक गैस कहने का मतलब अक्रिय गैस, जैसे हो सकता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये गैस अक्रिय गैस, मतलब हमारे जो पीरियोडिक टेबल के 18वें ब्लॉक में आता है। द्विपरमाणविक गैस, द्विपरमाणविक गैस में आते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी में परमाणुओं की संख्या हमेशा 2 होती है। तो ये जो गति, इनकी स्वतंत्रता की कोटि 5 होगी और इसके स्वतंत्रता की कोटि 6 होती है। अब जो त्रिपरमाणविक गैस है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। त्रिपरमाणविक गैस में आ सकता है CO2, SO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैसें हैं वो त्रिपरमाणविक हैं। लेकिन इन त्रिपरमाणविक गैसों की भी 2 प्रकृति है, एक तो या तो ये सरल रेखा में गति करें या फिर ये अरेखीय गति करें, मतलब इनकी जो गति है वो एक ही रेखा में ना होके अलग अलग दिशा में भी दर्शाया जा सकता है। इसलिए इनकी जो स्वतंत्रता की कोटि होती है वो सरल रेखा में तो 6 होगी, लेकिन अरेखीय में क्या होगी? 3 होती है। अब हम देखते हैं आंकिक प्रश्न। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि एक बॉक्स में 1/2 कर दी जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि यदि एक बॉक्स में अणुओं की संख्या आधी कर दी जाए, मान लेते हैं हम सबसे पहले एक बॉक्स लिए थे जिसमें हमने एक गैस भर के रखा, गैस में जितने भी अणु होंगे उन अणुओं की संख्या को हम पहले क्या कर देंगे, आधा करेंगे। अगर हम आधा करते हैं तो पहले जो दाब था और आधा करने के बाद जो दाब होगा उन दोनों के दाब में क्या अंतर आएगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि गैस का दाब, जब गैस को हम किसी बर्तन वी आकार के या वी आयतन वाले जब बर्तन में हम उसको रखते हैं तो उस समय उसका दाब होता है पी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर अपॉन वी। यह गैस का प्रारंभिक दाब या जब गैस में अणुओं की संख्या पर्याप्त है या गैस में हम जो स्टार्टिंग में जो गैस में आयतन एक निश्चित आयतन में भरे हैं उस समय उसका दाब जितना था वो है। इसको दे देते हैं समीकरण एक। अब हम गैसों के अणुओं की संख्या को आधा करते हैं, मतलब हम जो बंद बर्तन है उसमें से आधे गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे आधा गैस बाहर निकलेगा मतलब उसमें अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अतः यहाँ पर अणुओं की संख्या आधी करने पर अब यहाँ पर देखते हैं अणुओं की संख्या आधी करने पर मतलब पहले अणु कितना था, n है, पहले अणु है n। अब हम अणुओं की संख्या आधा करते हैं मतलब इसका n अपॉन 2 हो जाएगा। पहले अणुओं की संख्या n थी, अब अणुओं की संख्या हो जाएगा n अपॉन 2। तो इस समय दाब होगा P1 इक्वल टू 1/3 m, n की जगह आ जाएगा n अपॉन 2, c का स्क्वायर अपॉन होगा v। अणुओं की संख्या पहले n थी, अब हो गया n अपॉन 2। तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 1/3 × 6 m n c स्क्वायर अपॉन v। ये तीन और तीन का गुणा हो गया 2 से तो ये हो गया 6 m n c स्क्वायर अपॉन v। इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। अब हमको निकालना है कि पहले जो दाब था और अभी जो दाब है इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है। इसलिए हम समीकरण 1 को अब क्या करेंगे, समीकरण 1 जो था हमारा उस समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा P/P1 इज इक्वल टू 1/3 m n c स्क्वायर अपॉन v अपॉन 1/6 m n c स्क्वायर अपॉन v। तो यहाँ पर m n c स्क्वायर अपॉन v, m n c स्क्वायर अपॉन v ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर आ गया P/P1 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये बटे में 1/6 है इसलिए पलट कर हो जाएगा 6/1। तो 3 × 3 × 3 = 6, तो P/P1 इज इक्वल टू हो गया 2/1, ये हो गया। अब हमको निकालना है P1 का मान जो हमारा अभी का दाब है, जब हम अणुओं की संख्या को आधा कर दिए उस समय हमारा दाब कितना है, P1। P1 का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, P का मल्टीप्लाई होगा 1 से P × 1 P और 2 का मल्टीप्लाई होगा P1 से, तो ये हो जाएगा 2P1। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/2। मतलब जो अभी अणुओं की संख्या, जब हमने बॉक्स में अणुओं की संख्या कितनी कर दी, आधी कर दी, उस समय उसका दाब भी कितना होगा, प्रारंभिक दाब का आधा होगा।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बर्तन ए, हम यहाँ पर दो बर्तन लेंगे। एक बर्तन ए का आयतन बर्तन बी के आयतन का दुगुना है। यहाँ पर हम देखें, एक बर्तन ए जो लिए उसका आयतन जो बर्तन बी के आयतन का कैसा है, दुगुना है। दोनों में एक ही गैस भरा हुआ है, दोनों ही बर्तन में हमने एक ही गैस भरा है। अब यदि बर्तन ए का दाब व ताप, बर्तन ए का जो दाब है और बर्तन ए का जो ताप है वो बर्तन बी के ताप व दाब से दुगुना है। यहाँ पर बर्तन ए का आयतन बर्तन बी के आयतन से दुगुना है, उसी प्रकार बर्तन ए का ताप और दाब बर्तन बी के ताप और दाब से दुगुना है। तो इसमें हमको निकालना है कि ए और बी दोनों में अणु की संख्या क्या होगी, की संख्या ए और बी दोनों में अणुओं की संख्या क्या होगी। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि यदि बर्तन ए का आयतन बी का दुगुना है तो हम सबसे पहले लेते हैं, माना बर्तन बी का आयतन, बर्तन बी का आयतन कितना होगा, V2 है, इसलिए बर्तन ए का आयतन हो जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है बर्तन ए का आयतन बी का दुगुना है, बी का आयतन V2 है, तो बर्तन ए का आयतन कितना होगा, 2V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बर्तन बी का दाब, बर्तन बी का दाब यदि P2 है तो बर्तन ए का दाब हो जाएगा उसका दुगुना, मतलब 2P2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सब देखते हैं कि यहाँ पर ताप भी, बर्तन B का जो ताप है A के ताप का, A का ताप B का दुगुना है, तो फिर लिखते हैं बर्तन B का ताप है T2, तो बर्तन A का ताप हो जाएगा कितना, 2T2, मतलब दाब भी दुगुना है, ताप भी दुगुना है और उसका आयतन भी दुगुना है। तो इस समय यहाँ पर हम देखते हैं आदर्श गैस समीकरण से PV इज इक्वल टू एन आर टी ये होता है। अब यहाँ क्योंकि हमको दो अलग अलग गैसों के लिए लेना है इसलिए हम लेते हैं पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन, ये होगा पहले गैस के लिए पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन, और दूसरे गैस के लिए हो जाएगा पी टू वी टू अपॉन एन टू इंटू टी टू। तो यहाँ पर पहले गैस मतलब ए का दाब कितना था, 2p2, इसका दाब हो जाएगा, दाब दुगुना हुआ, आयतन भी दुगुना है, ये हो जाएगा 2v2, n1 हमको फाइंड आउट करना है, ताप है दुगुना 2t2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये होगा p2 into v2 अपॉन n2 into t2, दो और दो का गुणा हुआ, दो दुनी चार, p2 v2 अपॉन 2 n1 t2 इज इक्वल टू p2 v2 अपॉन n2 इंटू t2। तो p2 से p2 कैंसिल, v2 से v2 कैंसिल और t2 से t2 कैंसिल हो गया, दो एकम दो, दो दुनी चार, तो यहाँ पर आ क्या गया, 2 अपॉन
n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n2, तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 1। तो बर्तन A में अणु की संख्या 2 है और बर्तन 2 में अणु की संख्या कितना है? 1 है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कार के टायर में 27 अंश सेंटीग्रेड ताप पर हवा भरी हुई है। एक कार के टायर में 27 अंश सेंटीग्रेड ताप पर हवा भरी हुई है। अब इस समय इसका दाब है 3 वायुमंडली। इस समय इसका हम दाब लेते हैं 3 वायुमंडली दाब पर और 27 अंश सेंटीग्रेड ताप पर एक किसी कार के टायर में एक हवा भरी हुई है। यदि वायु का ताप 47 अंश सेंटीग्रेड हो, वायु का ताप यदि 47 अंश सेंटीग्रेड हो तो टायर का दाब ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये दिया है कि टायर में 27 अंश सेंटीग्रेड ताप पर हवा भरी हुई है, तो हम T1 लेते हैं सबसे पहले। T1 इज इक्वल टू दिया है 27 अंश सेंटीग्रेड। अब इस अंश क्योंकि ये सेंटीग्रेड में है इसलिए सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे केल्विन में। केल्विन में चेंज करने के लिए इसको हम 273 से प्लस करते हैं, तो ये आ जाएगा 7 × 3 = 10, 10 0 और ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो 27 अंश सेंटीग्रेड को यदि हमने केल्विन में चेंज किया तो ये आ गया 300 केल्विन। उसी प्रकार 47 अंश सेंटीग्रेड इसको भी हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 47 + 273 = 7 और 3 हो जाएगा 10, 4 और 5, 5 और 7 2 और ये हो जाएगा 320 केल्विन। 47 अंश सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में चेंज किए तो उसमें 273 प्लस किए तो ये हो गया 320 केल्विन। अब यहाँ पर दिया है दाब कितना, 3 वायुमंडली दाब। तो P1 का वैल्यू है 3 वायुमंडली मतलब 3 एटमॉस्फियर। हमको निकालना है टायर का दाब। टायर का दाब निकालने के लिए हम लेते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब यहाँ पर हमको वैल्यू पता है, P1 का मान हमको मालूम है कितना है, 3 है, 3/3। P2 हमको निकालना है इज इक्वल टू T1 कितना है 300 और T2 है 320। ये हो गया, ये इससे कैंसिल तो आ जाएगा 3 अपॉन P2 इज इक्वल टू 30/32। अब इसके आगे देखते हैं क्या आया था, 3/P2 इज इक्वल टू 30/32। हमको निकालना है P2 का वैल्यू इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 × 32 इज इक्वल टू P2 × 30। तो P2 का वैल्यू हो जाएगा 3 × 32/30। तो 3 × 3 = 0 और ये 0, तो आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 3.2 एटमॉस्फियर।
मतलब जो टायर के अंदर का दाब है वो हो गया 3.2 एटमॉस्फेयर, कहने का मतलब वायुमंडलीय दाब। तो पहले जो वायुमंडलीय दाब था गैस का वो था 3 वायुमंडली, और टायर के अंदर का दाब हो गया 3.2 वायुमंडली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं कि समान दाब पर हम यहाँ पर समान दाब पर दो गैसें लेंगे। एक का टेम्परेचर होगा 127 अंश सेंटीग्रेड। दो गैस हमने लिया, दोनों का दाब समान है, तो उस समय एक का टेम्परेचर है 127 अंश सेंटीग्रेड व दूसरे का टेम्परेचर है 227 अंश सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर हम ये मानते हैं कि दो गैसें जो कि समान दाब पर हैं, एक का टेम्परेचर 127 अंश सेंटीग्रेड है और दूसरे का 227 अंश सेंटीग्रेड पर, हाइड्रोजन व हीलियम। ये दो गैसें, एक तो है द्विपरमाणविक गैस हाइड्रोजन और एक है एक परमाणविक गैस हीलियम। इनके आयतनों का अनुपात हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो गैस हम लिए थे, एक हाइड्रोजन गैस लिए दूसरा हीलियम गैस। दोनों गैसों का दाब समान है लेकिन उसका ताप अलग अलग है, एक है 127 अंश सेंटीग्रेड और दूसरा है 227 अंश सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर हमको इनके अणु आयतनों का अनुपात निकालना है, कब, जब इनके परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, जब परमाणु की संख्या समान हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं गैस समीकरण से। गैस समीकरण होता है PV is equal to nRT। तो हमको निकालना है आयतन का अनुपात और दाब समान है, तो दाब को हम लिखेंगे P, आयतन होगा V1, अणु की संख्या भी समान है N, R एक कांस्टेंट है इसलिए लिखेंगे R। अब यहाँ पर टेम्परेचर, पहला गैस हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना दिया है, हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर है 127 अंश सेंटीग्रेड। अब इसको अगर हम केल्विन में बदलते हैं तो आ जाएगा 127 प्लस 273, तो आ गया 7 × 3 = 10 का शून्य, और ये हो जाएगा 7 × 3 = 10, ये हो जाएगा 400 केल्विन। तो हाइड्रोजन गैस के लिए दाब तो पी होगा, आयतन V1 लिए, अणुओं की संख्या समान है इसलिए N लेंगे, R अनुपात है, और यहाँ पर हम लेंगे ताप की जगह 400। ये हो गया किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। अब हम लेते हैं किसके लिए, हीलियम गैस के लिए। तो यहाँ पर भी दाब तो P ही होगा क्योंकि दोनों का दाब समान है, आयतन हो जाएगा V2 इज इक्वल टू, अणुओं की संख्या होगा N, R कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हीलियम गैस का टेम्परेचर है 227, अब इस अंश सेंटीग्रेड कितना है, 227 अंश सेंटीग्रेड। इसको यदि हम केल्विन में बदलते हैं तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 227 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 7 × 3 = 10 का शून्य, और ये हो जाएगा 7 × 3 = 10, और 2 × 2 = 4 = 5, 500 केल्विन। तो यहाँ पर ये आ जाएगा वैल्यू इसका टेम्परेचर 500 केल्विन। ये हो गया। अब क्योंकि इन दोनों गैसों के आयतन का हमको अनुपात निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस से हीलियम गैस को डिवाइड करेंगे, या फिर इसको दे दो समीकरण एक और इसको दे दो समीकरण दो। तो हम लिखते हैं समीकरण एक व दो को भाग देने पर, यह है तो आ जाएगा PV1/PV2 = nR400/nR500।
तो आगे हम देखते हैं पी वी वन अपॉन पी वी टू इज इक्वल टू एन आर 400 अपॉन एन आर 500। ये है। तो यहाँ पर देखते हैं P से P कट जाएगा, यहाँ N से N कैंसल और R से R कैंसल। तो क्या आ गया V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 400 अपॉन आ जाएगा 500। जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसल, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू होगा 4/5। मतलब V1 अनुपात V2 बराबर है 4:5। तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस दोनों के आयतनों का अनुपात कितना होगा? 4:5 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गैस के ताप को 77 अंश सेंटीग्रेड से बढ़ाकर, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम गैस कितना लिए हैं, गैस का टेम्परेचर 77 अंश सेंटीग्रेड, अब इससे बढ़ाकर उसको हमको करना है 227 अंश सेंटीग्रेड। किसी गैस के ताप को 77 अंश सेंटीग्रेड से बढ़ाकर हमको उसको करना है 227 अंश सेंटीग्रेड, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला हम जो गैस लिए थे उसका टेम्परेचर कितना था? 77 अंश सेंटीग्रेड था, और जब ये 77 अंश सेंटीग्रेड था उस समय उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, और अभी जो इसका टेम्परेचर है 227 अंश सेंटीग्रेड, उस समय उसकी जो गतिज ऊर्जा है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? तो सबसे पहले हम लेते हैं T1 इज इक्वल टू 77 अंश सेंटीग्रेड। अब हम 77 अंश सेंटीग्रेड को चेंज करेंगे केल्विन में, तो ये आ जाएगा 77 प्लस 273 बराबर, ये आ गया 3×10^0, 1×15^5 और आ गया 1, तो आ जाएगा 350 केल्विन। 77 और 273 इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं तो आएगा हमारा 350 केल्विन। सेकेंड है T2 दिया हुआ है 227 अंश सेंटीग्रेड, 227 अंश सेंटीग्रेड। अब इसको यदि हम केल्विन में बदलते हैं तो 227 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 7×10^0 हासिल 1, 2 और 1 3, और ये 7×10^0 हासिल 1, 2 और 3, और ये 2, 5, कितना हो गया 500 केल्विन। तो जब 77 अंश सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में चेंज किया तो आया 350 केल्विन, और जब हम 227 अंश सेंटीग्रेड को चेंज किया तो आ गया 500 केल्विन। अब इनका गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है, तो हम जानते हैं कि E1 अपॉन होता है E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन होता है T2। इस सूत्र में E1 और E2 ये गतिज ऊर्जा है, और T1 और T2 ये ताप है। सूत्र में हम मान रखेंगे E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इस फॉर्मूले में हम रखते हैं वैल्यू, तो आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, T1 का वैल्यू था 350 और T2 का वैल्यू है 500। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 35/50।
तो ये हो गया 5 7 35, 5 1 5 0 का 0। तो आ गया E1 upon E2 इज इक्वल टू 7 upon 10, मतलब इसका अनुपात हो जाएगा गतिज ऊर्जा का E1:E2 इज इक्वल टू 7:10। तो यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना आया, 7:10। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। समान ताप एवं समान दाब पर अब हम एक ऐसा गैस लेंगे जिस जो कि क्या हो, आदर्श गैस हो, और उसका ताप और दाब दोनों क्या हो, समान हो। तो समान ताप और समान दाब पर आदर्श गैस के 1 मोल का आयतन निश्चित होता है। क्या लिया यहाँ पे कि समान ताप और समान दाब पर उसके एक आदर्श गैस है उसका 1 मोल का आयतन भी निश्चित होगा, और वो आयतन होगा कितना, 22.4 लीटर। हमें जानते हैं कि कोई भी अगर आदर्श गैस है, अगर वो समान ताप और समान दाब पर है तो उसका आयतन तो निश्चित होगा, और होगा कितना, 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर होता है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दिया है ताप हम लेंगे हमेशा केल्विन में, इसलिए ताप हो जाएगा 273 केल्विन। ताप को हम हमेशा केल्विन में लेते हैं, चाहे वो आदर्श गैस हो चाहे वो नॉर्मल गैस हो। अब यहाँ पर ताप तो आ गया 273 केल्विन, अब आदर्श गैस है और आदर्श गैस का कितना मोल है, 1 मोल है, इसलिए इसका दाब हो जाएगा 1.013 into, देखिए ये क्या है, उसका प्रेशर किसका, आदर्श गैस का, और आदर्श गैस में n अणु होते हैं और n अणु इज इक्वल टू 1 मोल। तो आदर्श गैस का दाब P इज इक्वल टू होगा 1.013 into 10^5 पास्कल। ये होगा आदर्श गैस का दाब। तो ताप और दाब हमको मिल गया। अब हम देखते हैं आयतन, अणुओं की संख्या n, क्योंकि 1 मोल है इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 होगा, और r इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8.31। तो आदर्श गैस समीकरण से PV इज इक्वल टू होता है nRT। हमको निकालना है आयतन V का मान, तो V इज इक्वल टू होगा nRT/P होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 8.31, इंटू T की वैल्यू है 273/ P का वैल्यू है 1.013 into 10^5। ये आ गया। अब हम देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। तो जब हम 8.31 और 273 इसका यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2268.3/ ये हो गया 1.013 into, अभी 10^5 अभी नीचे है, हर में है, स्क्वांस में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10^-5। अगर हम इससे इसको डिवाइड करें और 10^-5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 22.4 लीटर, और ये होता है आदर्श गैस का आयतन। तो यहाँ पे हमने आज देखा कि स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, और कुछ आंकिक प्रश्न देखे। इसके साथ ही हमारे पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।